जनता की समस्याओं और उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक संकुल के प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई की अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा के साथ ही उन्हें संतुष्ट कर समस्याओं का निदान किया गया। आपको बता दें कि जानकारी के अभाव में तुलनात्मक रूप से शिकायतकर्ताओं की संख्या कम रही, पर जितने भी लोग अपनी रोजमर्रा समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचे, वे सभी संतुष्ट होकर घर को रवाना हुए। इंदौर से शैलेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन में ये पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विभाग जहां पर कि सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में इन शिकायतकर्ताओं को हमने यहाँ पर बुलाया है और बुलाकर उनसे बात की जा रही है, उनकी शिकायत को पढ़ाकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये संभव है कि कई शिकायतें ऐसी हैं कि जिसका निराकरण नहीं हो सकता है, तो उसको उस बारे में ये अवगत कराने की कोशिश है ताकि उन्हें नियम कायदे से परिचित किया जा सके। जैसे अभी जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कतें आ रही है वो पात्रता पर्ची की है। पात्रता पर्ची को लेकर एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि जिला कार्यालय से पूरी परीक्षण उपरांत तो भोपाल भेजा जाता है और भोपाल NIC उसको मैप करता है, मैप के पश्चात फिर उसकी स्वीकृति आती है। ये एक थोड़ी सी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, इस कारण से उसमें अधिक अवधि हो रही है और अधिक अवधि होने के कारण शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इस सिस्टम में बदलाव के लिए हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे ताकि भोपाल उसको सुधार सके। प्रस्ताव भेजा है आपने समयावधि L1 को बढ़ाने का, L1 की समयावधि बढ़ाने का, आज ये मुद्दा हमारे सामने आया है और हम अगले 2-4 दिन में ये पूरा का पूरा प्रस्ताव मैं विवरण और प्रमाण के राज्य शासन को भेजेंगे। उसमें हम उन तमाम शिकायतों का परीक्षण कर रहे हैं और मोटे तौर पे हमें लगता है कि 1 माह से अधिक का समय हमको मिलना चाहिए ताकि L1 स्तर पे उसका निराकरण हो सके। दरअसल ये एक पहला प्रयास है और लोगों तक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पता चल सके कि मंगलवार के अलावा भी एक ऐसा दिन और ऐसे विभाग को चयनित कर रहे हैं जहां पर कि विभाग से काफ़ी लंबे समय से जो लंबित शिकायतें हैं उसके निराकरण के बारे में व्यक्ति आकर जान सके। शुरुआत है और जितना हमें उम्मीद था कि शुरुआत में जो कम रिस्पांस रहता है वो उसी की परिलक्षित हो रहा है।